बंदी बना लो इसे। साई बाबा, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। बाबा आप कहाँ हैं? ये इतनी तेज रोशनी अचानक से कैसे? आधी चीजें तो कुछ काम की ही नहीं है, मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया। ये टूटी हुई कुर्सी, ये खाली बर्तन, आधे कमरे की जगह तो इन्होंने ले रखी है। अक्सर हम जो चाहते हैं वो हमारी नजरों के सामने होता है, पर कुछ उसे इस तरह अवरुद्ध करके रखता है जिसके कारण हम उसे देख नहीं पाते। जरूरत है तो उस अवरोध को हटाने की। रुको भोसले, इस रसीद में कुछ गड़बड़ है। इस रसीद को रोशनी के सामने रखकर ध्यान से देखो। ऐसा लगता है जैसे इस रसीद के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं निर्दोष हूं। मैंने पावती में 36 रुपए ही लिखे थे। कलेक्टर साहब, अगर हम इस चिपके हुए कागज को उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो इसके नीचे का हिस्सा भी फट जाए। चूंकि कागज बहुत अच्छी तरह से चिपकाया गया है, इसलिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है ये जानने के लिए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो आप क्या करें? अब मुझे महसूस हुआ साई, जगह तो मुद्दा ही नहीं है। फिर भी मैं चाहती हूँ मेरा भतीजा बड़ा आदमी बने, सफल हो, खूब सारा पैसा कमाए,
बंबई जाकर जीवन ये सब हासिल कर सकता है। उषा ताई, आपने उस रोशनी में घर में जगह तो देख ली, लेकिन एक चीज नहीं देख पाई आप। जब चकाचौंध कर देने वाली रोशनी अचानक से कमरे में आई, तब जीवन ने अपनी हथेली से आपकी आंखें ढकी। जब ये आश्वस्त हो गया कि अब आप ठीक हैं, उसके बाद इसने अपनी आंखें बंद की। इससे ये पता चलता है कि आपके भतीजे को आपकी कितनी फिक्र है। जीवन के यहां से जाने के बाद आप यहां अकेली रह जाएंगी, इसलिए ये गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता। हाँ अत्या, मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। अगर आपसे दूर चला गया तो हमेशा आपकी चिंता लगी रहेगी, फिर काम में भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ अपनी नौकरी से खुश हूँ आत्या। अगर मैंने यहाँ कड़ी मेहनत की तो मुझे तरक्की भी मिलेगी और ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। आज नहीं तो कल हम नए कमरे भी बनवा लेंगे। कम पैसे मिलते हैं तो क्या हुआ आत्या, मुझे इस बात की संतुष्टि रहती है कि यहाँ मैं अपनी आत्या के साथ रहता हूँ। वो आत्या जिन्होंने आई बाबा के जाने के बाद मेरी परवरिश की, मुझे संभाल। आपको इस तरह बेसहारा छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? अब आप ही बताइए उषा ताई, आपको पैसे कमाने वाला भतीजा चाहिए या देखभाल करने वाला? कितने बच्चे हैं जो बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास जीवन जैसा भतीजा है। ऐसा परिवार है जो हमेशा आपका ध्यान रखेगा, आपको खुश रखेगा। साई, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। समझ नहीं आता आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आज तो मैं आपको भिक्षा भी नहीं दे पाई। ये जरूरी नहीं कि भिक्षा में अनाज ही लेकर जाऊं। आपकी आंखों से गिरते ये खुशी के आंसू मेरे लिए किसी भी अनाज से अनमोल हैं। ये पानी की बूंद कहां से आई? Thank you.
इस रसीद में 36 रुपए ही लिखे हैं। इससे यह साबित होता है कि हवलदार गणपतराव निर्दोष है। और सुशील कुमार ने उसे फंसाने की कोशिश की। तुम्हें सुशील कुमार, तुमने उस भले इंसान को फंसाने की कोशिश की जिसने तुम्हें अपने घर में शरण दी। अब तुम्हें दंडित होने से कोई नहीं बचा सकता। साहब वो चुप बैठा, कुछ मत बोल। हरिओम हरिओम। कलेक्टर साहब, इस सुशील कुमार को कुछ बोलने ना दे तो ही अच्छा है। इसकी बातें सुनकर हमने कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति पर संदेह किया। इसका क्या भरोसा, कभी आप पर मुझ पर उंगली उठा दे। नहीं, इसके झूठ बोलने के दिन समाप्त हो गए। इसने जो किया है इसके लिए यह धूल कारावास में सड़ेगा। पकड़ लो इसे। रुक जाइए कलेक्टर साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। इन्होंने मेरे लिए जो भी किया सो किया। मेरे मन में इनके लिए कोई मैल नहीं है। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। भाव भाव, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाव। मैं आपको पहचान नहीं सका भाव, मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे माफ कर दो भाव, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मैंने माफ किया सुशील, जाओ तुम आजाद हो। मेरा पासा फिर उल्टा पड़ गया। हरिओम, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, चलता हूं। गणपत जी बधाई हो। हां गणपत जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। गणपत, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर संदेह किया। हमें भी खेद है गणपत, आज के लिए भी और पहले के लिए। मुझे इस बात का भी सदैव अफसोस रहेगा कि मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदार पुलिसकर्मी को अपने थाने से जाने दिया। जिसे मैं अपनी जीत समझ रहा था, दरअसल वो मेरी हार थी। और जितने कम समय में तुमने यहां जन समर्थन और लोगों का विश्वास हासिल किया है वो सच में सराहनीय है। कलेक्टर साहब, गणपत के कामों को देखकर ये लगता है कि पदोन्नति के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार यही है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं और इसमें कोई दो राय नहीं कि इतनी संवेदनशीलता, इतनी मानवता, इतनी ईमानदारी और अपने फर्ज के प्रति समर्पित ऐसे पुलिसकर्मियों की वजह से ही आज जनता का कानून पर विश्वास बना हुआ है।
धन्यवाद साहब, मोस्टे साहब धन्यवाद। अच्छा गणपत राव, अब हम चलते हैं, लेकिन तुम अपना काम इसी तरह अच्छे से करते रहना। अपना ख्याल रखना। जी साहब। चलो भोसले। गया, मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम से बाहर जाना है, तुम घर चली जाना। हे देवा, उन्होंने अपने इस्तीफे के बारे में चांदोरकर साहब को क्यों नहीं बताया, और अचानक कौन से महत्वपूर्ण काम के लिए निकल गए? मित्रों के पैर नहीं पड़ते, गले मिलते हैं। बाबा, पता नहीं कैसे, पर मुझे यकीन है कि मेरी मदद आप ही ने की है। मेरे माथे से ये कलंक आप ही की वजह से मिटा है। बाबा, अब से मैं आपकी कोई भी बात एक पल के लिए भी नहीं टालूंगा, हमेशा आपकी सलाह मानूंगा। आपने कहा था मेरा जन्म गाने के लिए हुआ है, तो अब से मैं अपने जीवन को सफल करने जा रहा हूं बाबा। ये देखिए बाबा, मेरा इस्तीफा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, अब से मैं संगीत में ध्यान दूंगा। मैं इसे देने से पहले इसे मैं आपके चरणों में चढ़ाकर आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं बाबा। मैं कल सुबह होते ही कल्याण चला जाऊंगा और अपना इस्तीफा दे दूंगा। एक बात याद रखना गणू, नौकरी छोड़ सकते हो तुम, लेकिन लोगों की मदद करना मत छोड़ना। और हां, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम हार चुके हो तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ सच्चाई है, और सच्चाई के साथ तो ईश्वर खुद होता है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना और कोशिश करते रहना। तुम्हारी मदद करने का जरिया ईश्वर ढूंढ ही लेगा। जी बाबा, मैं आपकी सलाह हमेशा याद रखूंगा। चलता हूं बाबा। राम जी भला करें।
लोनी वासियों, तुम्हें पता होना चाहिए था कि डाकू कालू भील की सेना से तो अंग्रेजी हुकूमत भी नहीं बच पाई, तो फिर तुम लोग कैसे बचोगे? अब तुम्हारी सजा सरदार ही तय करेंगे। हमने इनसे अनाज लिया तो हमारा विरोध किया इन्होंने। इसका मतलब लोनी वासियों में कालू भील का डर कम हो रहा है। इनके घर में घुसो, सारा कीमती सामान लूट लो, सारा अनाज ले लो, मरने दो इन्हें भूखे। कालू भील का विरोध करने का परिणाम क्या होता है पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। आहा।